हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और यहाँ पे देखिए, जो पूजा होती, पूजा वूजा सब करके और उसके बाद मैं कान्हा जी को दूध पिला दी थी, भोग लगा के उन्हें दूध पिला के, और उसके बाद देखिए मैं देवी जी का पाठ करने के लिए बैठ गई थी। और आज दोस्तों ना, जब मैं पाठ करने थी, मैं मम्मी से बस ये कही थी कि मम्मी, जब 2-3 मिनट बीत जाएगा तो आप बस मुझे मोबाइल मेरे पास रख देंगे, तो मैं वीडियो बंद कर दूँ। क्योंकि देखिए, जब पाठ करने बैठ जाते ना, तो उस बीच उठना नहीं चाहिए ना, तो बोलना चाहिए। तो बस फिर मम्मी मुझे मम्मी को इशारा कर दी थी, मम्मी मुझे दे दी थी। कभी कभी सासू माँ भी साथ दे ही देती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब पूजा वूजा अच्छे से कर चुकी थी। और ये वीडियो भी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कि नवरात्र की बीच की ही वीडियो है, मेरे ख्याल से 5वें दिन की वीडियो है क्या, शायद उतना मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद देखिए, सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं रख दी हूँ चाय अपने लिए। और चाय रख के उसके बाद ना, फिर मम्मी मुझे बुला रही थी किसी काम के लिए, जाऊँ देखूँ पहले किस लिए बुला रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी मुझे बुला रही थी ना, जो गुड़ होता है उसे फोड़ने के लिए बुला रही थी। क्योंकि ना, ये गुड़ बहुत हार्ड होता है, एकदम छोटे छोटे एकदम देसी गुड़ होते हैं, लेकिन बहुत हार्ड रहता है और ये हाथ से नहीं टूटता। तो बस मैं वही खल लेती आई थी, जिससे अदरक कूटती हूँ, तो खल लेती आई थी। तो बस उसी से मैं गुड़ फोड़ के पूरा अच्छे से मम्मी को दे दूँगी। एक डब्बा में भर देते ना, तो मम्मी भी जैसे चौरा माई पे, शीतला माँ पे, बाबा महाराज पे, सब जगह जाती है ना, तो नवरात्र में आप लोग को जैसा पता है कि देवी जी को गुड़ जरूर चढ़ता है भोग में, गुड़, दही, लौंग, ये सब खास कर देवी जी को चढ़ता है। तो बस इसलिए ना, पूरा तोड़ के रख देती तो सही रहता, क्योंकि हाथ से टूटता नहीं है। तो उसके बाद देखिए, कर दी थी। और उसके बाद ना, धूप बत्ती भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं कही कि चलो इसी लागे धूप बत्ती भी भर देती हूँ तोड़ के, क्योंकि धूप बत्ती बहुत बड़ी बड़ी होती ना, तो उसे बीच से दो दो टुकड़ा कर देती हूँ, तो सही रहता है। ये सब पूजा में अगर तैयारी कर रहा हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। और कल के मेरे ब्लॉक में एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम शायद कविता है, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो कहें कि दीदी आप अगरबत्ती मत जलाया करो, बस धूप बत्ती जलाया करो। तो हाँ सिस्टर, आपने सही कहा है कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें ना, आदत सी पड़ गई है, बिना अगरबत्ती जलाए ऐसा लगता है ना कि जैसे बहुत सूना सूना मंदिर। और जो कि सही कहा, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें बाँस की काड़ी होती है ना, तो हम सबको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए ब्राह्मण है, और बाँस कब यूज किया जाता है आप मतलब सबको पता ही है, और मुझे भी पता है। लेकिन ना, जैसे कब कोशिश बहुत बार की हूँ, कई बार ना पता है मैं बंद कर चुकी थी अगरबत्ती जलाना, लेकिन फिर से जैसे ना एक आदत होती है ना, कि जैसे अधूरा अधूरा लगता है मंदिर। तो चलिए, यहाँ पे फिर मैं ना कान्हा जी को आज चने का भोग लगा दी थी। चने में खीरा, नमक और हरी धनिया, हरी मिर्च और ये सब काट के थोड़ा सा नींबू निचोड़ के आज कान्हा जी को नाश्ता में वो खिला दी थी। और अभी देखिए, जो खाना बनाऊँगी तो कान्हा जी मेरे वो भी खा लेंगे। तो उसके बाद देखिए, मैं चाय में पी के और सब करने के बाद बर्तन वर्तन सब लगा ली थी। उसके बाद फिर देखिए, मैं आ गई थी कपड़ा धुलने के लिए, जो भी जितने कपड़े थे, तो मैं सोची कि इसी लागे सब लगा दूंगी और कपड़ा भी मेरा धुलता रहेगा, तब तक मेरा और भी काम हो जाएगा। और सिस्टर, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं ना, कि सच में आप लोग का कमेंट पढ़ के ना मन एकदम से खुश हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए, और दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसके आगे आप लोग चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा सब कुछ भूल जाओगे, एकदम देसी तरीके से बहुत ही टेस्टी रेसिपी रहेगी। तो उसके बाद फिर देखिए, है शाम का वीडियो, यानी कि 4 बजे। तो यहाँ पर सबको लगी थी हल्की फुल्की भूख, और ये भी आज जल्दी आ गए थे दुकान से, क्योंकि शायद आज कुछ था इस दिन, जिस दिन का ये ब्लॉग है ना, उस दिन इनकी तबीयत नहीं ठीक थी या किस कारण थे, जल्दी चले आए थे, तो इन्हें भी भूख लगी थी। तो मैं कही चलो अच्छा, थोड़ा सा लाइव इन्हें भून के दे देती हूँ, क्योंकि इस समय नवरात्र का जैसे कि ये ब्लॉग है, तो इसमें लहसुन प्याज नहीं यूज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, एक जने आ गए थे मुझे दुलार प्यार करने उन्हें कुछ चाहिए था, तभी इतना दुलार दिखाए थे, नहीं तो इतना जल्दी नहीं कोई आता है। तो उसके बाद फिर देखिए, और शाम को कान्हा जी भी मेरे उठ गए थे, तो उन्हें भी मैं कही चलो ये लाई का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना, मैं देखिए आप लोग, तो मैं ना लाई चेक कई बार, तो पहले तो देखो आदत है, तो मैं मुंह में डाल के चेक कर लेती थी, लेकिन ना समय थाली में ही 4-5 दाना निकाल ली थी लाई, तो पता चल जाता है ना, जब फूटने लगती है अच्छे, तो ये होता है कि चलो लाई क्रिस्पी हो गई है। तो बस यहाँ पे सादे इनको सबको दे दे रही हूँ तो इस तरह से, कान्हा जी को भी भोग लगा के, और उसके बाद मैं छान दे रही हूँ चाय शाम की। और आज सबको चाय पीने का मन था, इसलिए सबके लिए चाय बना दी थी, यानी शिवांश, प्रिंसी, मैं, ए और मम्मी।
पाँचों जन के लिए। तो उसके बाद देखिए चाय पीने के बाद और नीचे का सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी छत पे गेहूं बटोरने के लिए, क्योंकि ये गेहूं ना हम लोग, मैं और मम्मी कल शाम को ही धुल के रखे थे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि शाम को तो ब्लॉग में बना नहीं पाती हूँ, और ये जिस दिन की ब्लॉग है ना, मेरे ख्याल से उस दिन शिवांश की छुट्टी थी ऑनलाइन क्लास की, तभी तो शाम को मुझे मोबाइल मिला, नहीं तो नहीं मिलता है। तो बस ये देखिए दूसरे दिन के ना हम लोग गेहूँ धुल के रखे थे मैं और मम्मी, और सुबह ही मम्मी से फैला दी थी, कही चलो मैं पूरा अच्छे से बटोर लेती हूँ और फिर मैं हम लोग चलो मिलके से भर लेंगे गेहूँ। एक करीब 60-70 किलो के करीब गेहूँ धुला गया है। तो उसके बाद देखिए फिर शाम को मैं आप लोग के साथ साथ चलिए रेसिपी शेयर करने आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ना जो सूजी होती है उसे अच्छे से छान ली थी, वैसे इसमें था तो कुछ नहीं, हल्का ना जैसे आप लोग देखते हो काला काला सिटकी रहता है, यानी कि कंकड़ एकदम छोटे छोटे से काले काले से रहते हैं, और वो जब मुँह में आ जाता है ना एकदम मन वो हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ना प्रिंसिपल मन था ये सूजी का खाने के लिए, सूजी की कचौड़ी तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी और एक बार बनाई भी थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये हुआ कि चलो एक बार बना दूँ, तो बस आज चलो कई सोची आप लोगों के साथ की रेसिपी से बहुत खाने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू उबाल के छील के और देखिए इसे मैश करके रख दी हूँ। तो चलिए अब इसका आटा की तैयारी करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं सूजी ले रही हूँ 2 कटोरी, ये देखिए 2 कटोरी ले रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए ना प्रिंसे मेरे से बहुत दिनों से कह रही थी इसे इस रेसिपी को बनाने के लिए, और ये रेसिपी मैं कभी आप लोग के साथ शेयर भी नहीं करी थी। जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना उस समय रेसिपी बनाई थी, यानी कि मुझे ब्लॉग बनाते साल भर हुआ है, तो साल भर के बाद ही बना रही हूँ। और उस समय भी ना मैं बस ट्राई करी थी बहुत थोड़ा सा एक कटोरी सूजी से, तो मैं सोची चलो आज आप लोग के भी साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैं सूजी ले ली हूँ 2 कटोरी, और 2 कटोरी के हिसाब से 4 कटोरी पानी लेना है उसी कटोरी से, और उस पानी में और वो डाल देना है, मैं देसी घी डाल दी हूँ, अगर आप लोग चाहे तो रिफाइंड डाल सकते हो, और थोड़ा सा अजवाइन डाल दी थी, नमक डाल दी थी। और उसके बाद देखिए जब पानी में उबाल आ गया था ना, तो जो सूजी था सूजी को मैं पूरा इसमें डाल दी थी, और मैं एक गलती ये करी थी, मैं इकट्ठा सूजी डाल दी ना, लेकिन अगर आप लोग बना रहे तो आप लोग धीरे धीरे करके सूजी डालते रहना और चलाते रहना। मेरे में थोड़े थोड़े गांठ पड़ गए थे, लेकिन खैर मैं बहुत उल्टा से करी थी तो फूट गए थे, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना मेरे जैसे। तो बस है ना, और बीच बीच में जब मैं बनाने जब हाथ से इसे बनाए थे ना, उस समय भी मुझे कई गांठ मिले थे इसमें, मैं यही गलती कर रही हूँ, जो इकट्ठा सूजी डाल दी, तो आप लोग इकट्ठा बिल्कुल भी मत डालना। तो बस यहाँ पे देखिए आज बस मन हो गया, मैं कही चलो अपने कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी। और उसके बाद देखिए इसे मैं थाली में निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख दी थी, और उसके बाद कढ़ाई लेके फिर से धो के आ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैं ले रही हूँ हरी मिर्च, और कटोरी में आधा कटोरी पूरा धनिया पत्ती काट ली हूँ। तो इसमें भी बस वही जीरा हरी मिर्च और इसी का तड़का लगाऊंगी, और जब मैं इसका तड़का लगाऊंगी तो इसे जब तेल अच्छे से गर्म रहेगा तो उसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दूँ। जब धनिया पत्ती अच्छे से चटक जाती है ना, तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी आता, कभी आप लोग ट्राई करना। तो उसके बाद देखिए इसमें मैं डाल दी हूँ आलू, और आलू को मतलब इसमें मिलाने के बाद अब इसमें मैं थोड़े बहुत मसाला है तो डाल दूँगी। और मेरे हाथ में ना दोस्तों पानी लगा था तो, और आलू भी लगा था तो पलटा मेरे से पकड़ते नहीं बन रहा था। तो देखिए इसमें मैं मसाला में जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ती, और सबसे अच्छी चीज़ मैजिक मसाला यानी कि मैगी मसाला, बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आ रहा था दोस्तों। इतना मतलब ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि घर का बना हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे दुकान से कोई अच्छी सी रेसिपी मतलब आई है, बहुत टेस्टी बना था। तो इसे भी मैं अच्छे से भून ली थी, और भूनने के बाद इसे भी देखिए मैं थाली में निकाल ले रही हूँ, और कढ़ाई को भी अच्छे से साफ करके इसे भी फैला दूँगी थोड़ी देर ठंडा, जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं बनाऊँगी। और तब तक यहाँ पे देखिए अभी सूजी बहुत गर्म था, जब ये हल्का सा सूजी ठंडा हो जाए ना तो इसे खूब अच्छे से हाथों पर तेल लगा के देखिए इस तरह से इसकी पूरी लोई बना लेनी है, यानी कि जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं तो बस इस तरह से इसे तैयार कर लेना है। और दोस्तों शाम को मैं भी अच्छे से भगवान जी का दिया बत्ती सब करके तभी आई थी किचन में, एक बार कान्हा जी को कुछ हल्का फुल्का खिला देती हूँ। पता नहीं अब आदत सी जैसे पड़ गई, जैसे हम लोग खाते उसी तरह चिंता लगी रहती कि एक बार कान्हा को जैसे पूजा करूँ ना, तो मुझे ऐसा लगे कि खाना जी को कुछ मतलब कान्हा जी को कुछ खिला दूँ, उसके बाद फिर नाश्ता सोचती हूँ नाश्ता भी कुछ देना है, फिर खाना, मतलब अब एक ना जैसे अपने बच्चों का केयर करती ना, एकदम मन में ये भाव आ गया कि हाँ उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए। दिन भर बस ये लगा रहता है कि कान्हा को मैं कुछ ना कुछ खिलाती, जो भी है
मेरे पास, मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत हाई फाई में चल रही, हाँ जो है मेरे पास, अगर नहीं कुछ मिलता तो मैंने रोटी सेक के घी नमक से ही खिला देती हूँ या घी गुड़ से ही खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को मैं कही एक बार ना उन्हें खिला दी थी, कभी नहीं जैसे कुछ मिलता तो उन्हें बिस्किट भी खिला के पानी पिला देती हूँ। बस यहाँ पे देखिए इसे ना मैं अच्छे से बना के हाथ, और बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से बन जाता है, जैसे आप लोग आटा की कचौड़ी बनाते हो ना उसी तरह से बन जाता है। बस हाँ एक चीज़ और ना, मैं शुरू शुरू में ना मुझे इतना पता नहीं था तो मैं हाथ में पानी लगा के इसे बना रही थी, तो पानी लगाने से क्या था ना हल्का सा फट जा रहा था, और अगर आप लोग हाथ में तेल लगा के बनाओगे ना तो बहुत अच्छा और बहुत चिकना बन रहा था। तो इसमें देखिए थोड़ी थोड़ी सी मैं फिलिंग भर दे रही थी आलू की, और इसके ना खूब अच्छी सी कचौड़ी बना के और तेल में खूब अच्छे से फ्राई कर ले रही थी, और इतना मस्त मतलब तेल ऐसा मतलब ना फटने का डर ना बिखरने का डर, कोई भी इसमें डर नहीं होता। कई चीज़ ऐसी होती है ना कि जो तेल में डालने से बिखर जाती हैं या फट जाती हैं। सॉरी दोस्तों। तो ना इस तरह से बस इसे बनाना है, और बहुत डर डर के बना रही थी कि पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। सबसे पता है मुझे डर क्या होता है ना, मम्मी और इनका, सासू माँ का और पति देव का, इन दो जन का मुझे बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि अगर इनको इन दो जन को अगर चीज़ पसंद आ गई ना तब तो मेरी मेहनत सही है, और अगर नहीं पसंद आए ना तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्योंकि ना मेरे यहाँ देखिए ये सब चीज़ ना बहुत कम पसंद करते हैं, जैसे कि अभी मैं सोचूं कि बेसन की आलू गट्टे की सब्ज़ी बना दूँ, या बेसन की कई प्रकार की सब्ज़ी बनती ना, लेकिन मेरे यहाँ सब नहीं पसंद करते। इनको सबको सिर्फ सिर्फ जैसे सादा खाना कितना अच्छा से अच्छा मैंने बना के दे दूँ, बस इनको सबको वो पसंद होता है। लेकिन हाँ इसे मम्मी भी खूब पसंद करी थी और ये भी खूब पसंद किए थे। देखिए बन रहा है, और मैं कान्हा जी को भोग लगा रही जल्दी से, क्योंकि कान्हा जी का इसलिए मैं ठंडा करके रख दी थी, जब ठंडा हो गया तो उन्हें भोग लगा के आ गई हूँ, और चलो इनके से भी लगाऊंगी प्लेट। बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना हुआ है, पिंसी प्लेट चटनी चटनी निकाल निकाल लो, देखो उसके बाद। और दोस्तों कहीं ना कहीं शायद आप लोग के मन में ये भी आता होगा कि कल पूड़ी के लिए मतलब कहीं की, लेकिन हमारे यहाँ देखिए जब बस नवरात्र में पूड़ी और हलवा बनाने वाला, जैसे पूड़ी नहीं छानते हैं क्योंकि जब देवी जी को रोट चढ़ा देते हैं ना उसके बाद ही पूड़ी उड़ी बनाते हैं, बाकी इसके सिवा देखिए दोस्तों खूब टेस्टी और बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना हुआ है, और ये लीजिए आप लोग भी गरम गरम खा लीजिए। मैं पहली बार बनाई, एक बार बस बनाई थी, बहुत दिन हो गया है, अब बहुत दिनों से प्रिंसी मेरे से कह रही थी, तो मैं कही चलो अच्छा आज बना देती, बच्ची है बहुत दिन से कह रही थी, तो बिना लहसुन प्याज के बनाई, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिस्पी है। अब टेस्ट इसका कैसा अब सब खाएंगे तो बताएंगे, तो लीजिए आप लोग भी खा ले, और अभी रुक जाइए मैं आपको कैसा क्रिस्पीपन दिखाती, पहले पलट दूं। तो ये ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था दोस्तों, और जैसा कि आप लोग को मैं बताया जैसे नवरात्र की जो नवमी होती है जिस दिन कन्या खिलाई जाती है रोट चढ़ाया जाता है ना, तो उस दिन हमारे यहाँ तावा भी नहीं चढ़ता, यानी कि उस दिन रोटी नहीं बनती है, जैसे पूड़ी सुबह बन जाती है, पूड़ी हलवा वो भी खा लेते हैं, और अगर फिर से चाहे तो आप पूड़ी बना सकते हैं, लेकिन तावा उस दिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ता है। तो उसके बाद देखिए ये सब करने के बाद, और फिर मैं जो भी था इसे सब अच्छे से बना ले रही थी, और मम्मी और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था दोनों जन को। सब बन चुका है और ये सब भी खा लिया, मैं भी चलिए खा ली, चलिए पहले आप लोग को ऐसा क्रिस्पी पर दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है। देखिए देखो दिख रहा है, ये देखिए और ये देखिए आप लोग को तोड़ के दिखाती हूँ, इसमें भी आलू भरी है पूरी में, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मैं भी जा रही हूँ, और आपको जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब अब एक तरफ से देखो तुम पहली बार बनाया, क्योंकि एक बार और बनाई थी ना तो बहुत दिन हो गया, तो वो भी बस ट्राई कर रही थी, लेकिन आज भी ना जो कि बनाई और डर डर के ही बना रही थी कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी बना, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया है।
ले लीजिए एक बार आप लोग फिर से खा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।